लॉकडाउन ने अच्छे अच्छों की कमर तोड़ रखी है। सेलेब भी इस बेहाली से दूर नहीं है। जी हाँ, ताजी रिपोर्ट के अनुसार टीवी एक्ट्रेस सोनल वेंगुलकर आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की है। शास्त्री सिस्टर ये वादा रहा और साम दाम दंड भेद जैसे दिग्गज सीरियल में काम कर चुकी अभिनेत्री सोनल ने अपने पोस्ट में एक मेकअप आर्टिस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा है, आज मैं अपने मेकअप मैन के साथ बात कर रही थी कि मेरे पास अगले महीने तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है क्योंकि कुछ निर्माताओं ने मेरा पैसा नहीं दिया है जो कि लंबे समय से अटका हुआ है। मैं अपने मेकअप मैन के बारे में चिंतित थी कि वो इस स्थिति में कैसे गुजारा कर रहा होगा। उसकी पत्नी गर्भवती है और कई खर्चे हैं, लेकिन मुझे मेकअप मैन की तरफ से जो मैसेज मिला उसे पढ़ने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए। सोनम आगे लिखती हैं, उस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे मैसेज किया था, मैम मेरे पास 15,000 रुपए हैं, अभी आपको चाहिए तो ले लो, मेरी बीवी की डिलीवरी के वक्त मुझे वापस दे देना। मैं शॉक थी, जिन पर मेरे लाखों रुपए बकाया हैं, वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहे हैं और मुझे ब्लॉक करके मेरे ही कमाए पैसे नहीं दे रहे हैं। सोनल वेंगुलकर ने आगे लिखा, मेरे मेकअप मैन पंकज गुप्ता जो परिवार की तरह है मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं। पैसा बड़ी बात नहीं है बल्कि ये है कि उनके पास पैसे नहीं होते हुए भी वो मेरे बारे में सोच रहे हैं। वक्त आ गया है अब तथाकथित अमीर लोग भी दिल से अमीर हो जाएं। दोस्तों, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बने रहें फीफा फूस के साथ।